बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू क्लास। ओपन योर इंग्लिश बुक्स। टुडे वी कंटिन्यू रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 5 एंड द यूनिट नंबर 5 इज द मुल्लाज़ सन। वन मॉर्निंग मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ। एक सुबह मुल्ला ने अपनी बीवी को गुड बाय को अंडरलाइन कीजिए, खुदाफिस कहा, बीवी को खुदाफिस कहा। एंड सन बेटे को, बेटे और बीवी को खुदाफिस कहा। एंड वेंट गया, वेंट ऑफ टू द कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। एज़ यूजुअल, यूजुअल को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है मामूल के मुताबिक। और वो मामूल के मुताबिक जो है दरबार गया। हिज सन रफीक, उसका बेटा रफीक, हु वाज़ 6 ईयर्स ओल्ड, जो कि 6 साल का था। बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली। बिहेव को अंडरलाइन कीजिए, बिहेव का मतलब होता है रवैया, बैडली बुरा। और उसने बुरी तरह पेश आना शुरू किया और उसका रवैया बहुत बुरा हो गया। हिज मदर द मुल्लाज वाइफ, उसकी माँ मुल्ला की बीवी, वाज वेरी एंग्री विद हिम। एंग्री को अंडरलाइन कीजिए, एंग्री का मतलब होता है नाराज़, गुस्से होना। और उसकी माँ मुल्ला की बीवी बहुत उस पर गुस्से हुई। यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। शाउटेड को अंडरलाइन कीजिए, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। एंड चेस्ट, और जो है पीछा किया हिम आउट ऑफ द किचन, और किचन से बाहर निकलते हुए इसके पीछे आई। द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड को अंडरलाइन कीजिए, फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा। लिटिल बॉय, छोटा लड़का खौफजदा होकर रैन टू हिज रूम, भागते हुए अपने कमरे में गया। एंड हिट, हिट को अंडरलाइन कीजिए, हिट का मतलब होता है छुप जाना। अंडर द बेड, और बिस्तर और बेड के नीचे जो है वो छुप गया। हिज मदर डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला करना। डिसाइडेड को अंडरलाइन कीजिए, डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, उसकी माँ ने उसे यहीं छोड़ने का, रहने का, छोड़ने का फैसला किया। रफीक स्टेट, स्टेट को अंडरलाइन कीजिए, ठहरा, स्टेट का मतलब होता है ठहरा। अंडर द बेड ऑल डे, रफीक सारा दिन बेड के नीचे रहा। रफीक बिहेव वेरी बैडली टुडे। द मुल्लाज वाइफ सैड व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग। रिटर्न को अंडरलाइन कीजिए, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। मुल्ला और मुल्ला की बीवी ने कहा, जब मुल्ला बताया, जब मुल्ला शाम को वापस घर वापस आया कि रफीक ने आज बहुत बुरी तरह जो है बिहेव किया, बहुत बुरी तरह पेश आया। आई चेस्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया। एंड ही इज़ हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब होता है छुप जाना। अंडर हिज बेड, और वो अपने, अंडर का मतलब होता है नीचे, और वो अपने बेड के नीचे जो है वो छुप गया। आई एम छुप गया है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, अब मैं उसके बारे में परेशान हूँ। वरीड को अंडरलाइन कीजिए, वरीड का मतलब होता है परेशान। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो मुझे नहीं सुनना चाहता, नहीं सुना उसने। यू गो टू हिम, आप उसके पास जाओ। टॉक टू हिम स्वीटली, स्वीटली को अंडरलाइन कीजिए, स्वीटली का मतलब होता है प्यार से और नरमी से, और उससे नरमी से बात करें। एंड आस्क हिम, और उसे कहें टू कम, कि वो बाहर आए। एंड एंड हैव हिज डिनर, और अपने रात का खाना खाए। मुल्ला दो प्याज़ा वेंट टू रफीक रूम, मुल्ला दो प्याज़ा रफीक के कमरे में गया। इमीडिएटली को अंडरलाइन कीजिए, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरी तौर पर। ई पीप, पीप को अंडरलाइन कीजिए, पीप का मतलब होता है झांकना, झांका। अंडर द बेड, वो बेड के नीचे झांका। यस देयर ही वाज, हाँ वो वहाँ था। रेस्टिंग पीसफुली, पीसफुली को अंडरलाइन कीजिए, पीसफुली का मतलब होता है अमन से, आराम से। और अगेंस्ट द वॉल, और जो है दीवार के साथ लगकर वो आराम से वहाँ पे मौजूद था। एंड
निंदा मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुला रफ़ीक को जो है खौफज़दा नहीं करना चाहता था। ही ले ऑन द फ्लोर, फ्लोर को अंडरलाइन कीजिए, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, वो फर्श पर जो है लेट गया। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और अपने सर को बेड के नीचे जो है अंदर किया। एंड द लिटिल बॉय स्माइल, छोटा लड़का मुस्कुराया, ब्राइटली खुशी से मुस्कुराया। हेलो फादर ही सेड, उसने कहा, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। देयर इज़ प्लेंटी बहुत सारे ऑफ रूम, यहाँ पे बहुत सारे जो है कमरे हैं अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, और यहाँ पे छुपने के लिए हमारे लिए बहुत सारे कमरे हैं। क्रॉल रिंगते हुए राइट इन, और क्रॉल रिंगते हुए अंदर आए। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल को अंडरलाइन कीजिए। कम्फर्टेबल का मतलब होता है अपने आप को जो है पुरसकून करना, और अपने आप को आराम पहुँचाएँ, पुरसकून करें। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा इन हिज लाइफ, पहली दफ़ा उसकी ज़िंदगी में, मुला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ, मुला दो प्याज़ा ने अपने आप को स्पीचलेस को अंडरलाइन कीजिए। स्पीचलेस का मतलब होता है साइलेंट, नथिंग टू से, मतलब कोई भी बात कहने के लिए उसके पास नहीं थी। ही क्रॉल, वो रेंगता हुआ अंडर द बेड, वो रेंगता हुआ बेड के नीचे गया। एंड जॉइंड हिज सन, और अपने बेटे के साथ जाकर जो है वो बैठ गया। आज हमने अपनी यूनिट नंबर 5 की जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर ली है। आपने जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसको नोटबुक पे राइट कर लेना है।